हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलॉय व्हील के बारे में जो मैंने डिज़ायर के VDI वेरिएंट में लगवाई है। साथ ही बताना चाहूँगा इसके एलॉय व्हील के साथ साथ मैंने टायर भी ब्रॉड करवाया है। टायर का साइज है 195/55R16 जो कि हुंडई वर्ना के इक्विवेलेंट है। दोस्तों, ये डायमंड कट एलॉय व्हील है, ये आप देख रहे हैं डिज़ायर के VDI वेरियंट में मैंने लगवाई है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसका टायर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है जिससे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। ये डिज़ायर के ZDI प्लस के वेरिएंट से ज़्यादा ब्रॉड इसका टायर है। तो फ्रेंड्स, ब्रॉड होने की वजह से थोड़ा सा टायर बाहर निकला रहता है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा वो नहीं ख़राब लग रहा है। सारी खूबसूरती तो आपको डायमंड कट एलॉय व्हील में ही दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है ये। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि टायर ब्रॉड कराने पर माइलेज कम हो जाता है या नहीं। तो उसमें बात ये रहती है कि अगर टायर आप ब्रॉड करवा रहे हैं, जैसे मैंने ब्रॉड करवाया है, तो इसमें साथ ही इसका जो रिम है ये भी दूसरी मैंने लगवाई है, ना कि उसी रिम पे टायर चढ़ा हुआ है। तो देख सकते हैं ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स के लिए वो रिम जो है इसी में जॉइंट है, तो माइलेज पे तो इफ़ेक्ट पड़ता है सर। 1-2 किलोमीटर का तो डिफरेंस आएगा ही, चाहे जो ये कहता हो कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए या क्या है। टायर अगर आपका साइज सेम है, तब आप अगर एलॉय चेंज करवा रहे हैं, टायर का साइज सेम है, जैसे 195/55 मैंने टायर का साइज बताया R16, अगर सेम है तब तो माइलेज का कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन टायर अगर ब्रॉड हो रहा है तो माइलेज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। साथ ही ये एलॉय व्हील आप किसी भी डिज़ायर और स्विफ्ट के किसी भी वेरियंट में लगवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।